मंदिर। पास के बीच में मैं रुक बैठा। वो ये वाला खतरनाक रास्ता है, जंगल वाला, खड़ी चढ़ाई ये वाली, ये है रास्ता। बोले क्या बोले सारे सब कुछ चल। अच्छा महिलाओं का गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। बोलो हर हर महादेव। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए दिन की शुरुआत, एक नए दिन की शुरुआत फिर से बारिश और कोहरे के साथ। लगता है भगवान हमसे रुष्ट हैं, कोहरा ही बंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से क्या व्यू दिखाऊं? बस मैं आपको ये बुग्याल दिखा सकता हूँ, है ना, ऐसा बुग्याल हो रखा है। और बाकी अभी रात को क्या बोलते दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छे दर्शन कर लिए थे रात को, पूरी आरती है ना, श्रृंगार वगैरह सब है ना, सारे दर्शन कर लिए थे, बहुत बढ़िया। एक घंटे तक मस्त आरती के दर्शन करें, फिर तब तक रात हो गई तो आप लोगों को मंदिर नहीं दिखा पाया, मंदिर का गेट ही दिखा पाया। तो अभी चलते हैं मंदिर में, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, मंदिर दिखाता हूँ आपको। अंदर से तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है ना, तो बाहर से आपको मंदिर दिखाऊंगा पूरा कैसा कैसा है, उसके बाद चलेंगे नीचे की तरफ को। देखो रहने के लिए यहाँ से लेकर नीचे तक ना 1 2 3 4 5 6 7 सात वो हैं घर जहाँ पे मतलब रहने खाने की व्यवस्था है। बाकी नीचे सरस्वती ताल भी था, वहाँ भी सोचा था, बट क्या क्या फ़ायदा जाके, ये नीचे वाला ही नहीं दिख रहा। कल भी मैंने पूरा वेट किया शाम तक, फिर आरती में चलाई गया। रुद्रेशाय नमः, ओम रुद्रेशाय नमः। जूते चप्पल यहीं पे उतारेंगे, मांस मदिरा और सभी अनैतिक कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ये कुछ यहाँ का नज़ारा, मंदिर खुल चुका है, आहा बरसात का, देखो ऊपर पूरा, देखो मंदिर ऊपर, छोटे छोटे मंदिर। ये है रुद्रेश्वर, ये वन देवी का है। रास्ता देखो, इधर है भोलेनाथ, देखो पत्थर के नीचे ही है। भाई ये देखो ये नज़ारा, थोड़ा सा कोहरा हटा और तब मैंने थोड़ा सा लिया। देखो चलते हुए नीचे की तरफ को, ये देखो ये है, अभी कोहरा आ गया, अभी पूरा कोहरा हटा था मैं नीचे, अभी पूरा कोहरा हटा था मैं रुका, जैसे ही वैसे ही देखो कैसा हो गया पूरा। अभी पनार में थोड़ी देर रुकूंगा, तब देखता हूँ वीडियो बनता है नहीं बनता। चलो थोड़ा बहुत दिख तो रहा है, देखो पूरा बुग्याल। ये हैं ऐसे रास्ते, वो बिल्डिंग ही देखो, ये देखो घास के बीच में मैं, ओए होए क्या नज़ारा है कोहरे वाला, मस्त नज़ारा। घास के बीच में मैं रुक बैठा, ऊपर आ जाता हूँ यार, जोंक जाँक लग जाएगी। ये है पनार बुग्याल, बुग्याल तो दिखा नहीं पाया मैं आपको, है ना। ये है यहाँ पे पनार, यहाँ पर रहने रुकने के लिए सब कुछ है। ये देखो पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है ना। और अपन
अपन चल रहे हैं नीचे की तरफ को, है ना। हाँ, पैरों में दर्द हो चुका है पूरा। अरे क्या करें, नज़ारों का आनंद लेते बट क्या करें, नहीं ले पा रहे हैं। अपने गणतव्य की ओर भाई, चढ़ाई जितनी खतरनाक है उससे डबल खतरनाक ढलान है। रास्ता देख लो कैसा है, रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। अब क्या करें, बनार बुग्याल आ गया, अब आएगा लुईती बुग्याल। नीचे है थोड़ा सा, ही है 1 किलोमीटर पे लुईती बुग्याल। पैरों की ऐसी की तैसी हो चुकी है बट क्या करें, करेंगे। अभी देखो अगर जल्दी पहुंच गया मैं नीचे, ठीक है, तो अपन यहाँ से सीधे चल लेंगे कल्पेश्वर, फिर रहना वहीं है, ठीक है, फिर रहेंगे भाई और फिर वहाँ दर्शन करेंगे सुबह सुबह, और वहाँ से सीधा बैक टू देहरादून। ठीक है, बेस कैंप बनार बुग्याल, बनार बुग्याल का बेस कैंप है ये। चलो अब हम वहाँ से, अब देखो धूप आ गई साली, इतने दिनों से धूप नहीं आई, अब धूप आ गई। यही वाला रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता था कि वो ये वाला ख़तरनाक रास्ता है जंगल वाला, देखो। ओहो, हम लुईती बुग्याल से नीचे के लिए आ गए हैं, है ना। हम मतलब मैं ही मैं हूँ और तो कोई नहीं है। ओहो, ये बारिश, ये झरने, अरे जाते वक्त भी थोड़ा 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 उजाला होता रहता ना तो कितना अच्छा था। अरे जाते वक्त बिल्कुल भी नहीं था यार, चलो आते वक्त थोड़ा बहुत तो धूप निकली है ना, और थोड़ा बहुत क्या बोलते शूट किया मैंने। अब देखो, ये देखो चढ़ाई कैसी है, ये देख रहे हो, पूरी खड़ी चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई ये वाली। ओहो, पैरों की बैंड बज चुकी है, क्या करें फिर। ओह, हरिओम हरिओम हरिओम। रास्ता देख रहे हो, ये है रास्ता रुद्रनाथ का। ओह, हरिओम हरिओम। देखो घने जंगलों में जहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, वो होती तो क्या होता, है ना। रास्ता देखो क्या भयंकर ढलान है, कैमरे में तो लग नहीं रहा हुआ था ना बट स्टीप ढलान है। देखो रास्ते में मुझे अभी एक भालू दिखा, पता नहीं तुम लोग यकीन करोगे नहीं करोगे बट मुझे दिखा। क्या भोले, ये देखो कुछ लोग आ रहे हैं हल्के हल्के धीरे धीरे से। आ जाओ भैया, आ जाओ, मंजिल अब दूर नहीं है, मंजिल बहुत नज़दीक है। चलो भाई साहब चलो, ये भाई साहब लोग हैं हमारे, कहाँ से, प्रयागराज यूपी से आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते करते। चलिए चला जाए। ओ, भोले क्या भोले, जंगलों के बीच में चलते हुए हम महादेव के भक्त सारे के सारे, जंगली जानवरों से लड़ते हुए। नाम बता दीजिएगा अपने। हाँ, ओहो जय भोले,
जय भोले की, जय भोले की, जय जय भोले की, जय भोले की। जंगल जंगल नहीं देखा कि किसी ने वीडियो कॉलिंग चल रही है यहाँ पे। अरे हमने सोचा कि जंगल जोंक किलोमीटर, अरे बाप रे 25 किलोमीटर निकला है यार भाई। कई लोग तो 28-30 किलोमीटर भी बोल रहे थे। देख रहे भाई साहब, ये अच्छे नजारे दिखा के तो काम पड़ जाती है। देखो भाई साहब, ये हम मेरे को झूठा बोल रहे हैं, है ना? अच्छे नजारे दिखा देंगे, जहाँ कटिंग कटिंग चढ़ाई है वहाँ कोई नहीं दिखाता। देखो भाई, मैं कटिंग चढ़ाई भी दिखाऊंगा, मैं सब दिखाऊंगा। तो भाई साहब, आते हुए अच्छे अच्छे नज़ारे मैं आपको दिखा नहीं पाया, है ना? ये देखो, पुल पर पहुंच गया हूँ मैं। अब यहाँ से कुंज बुग्याल बहुत ही पास में ही है ना? ये देखो क्या बढ़िया नज़ारा है ना। पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल। पुंग बुग्याल पहले दिख भी नहीं रहा था। मज़ा आ रहा ना नदी में क्रॉक्स के साथ, यही मज़ा है। पहुँच चुके हैं पुंग बुग्याल। देखो ये है पुंग बुग्याल कुछ इस तरीके से। जाते हुए मैं आपको दिखाई नहीं पाया, चलो आते हुए भगवान की कृपा से मैं आपको दिखा तो पा रहा हूँ, है ना? नहीं तो कैसे दिखा पाता। ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा रास्ता। और हम पहुँच चुके हैं पुंग बुग्याल, और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर रह चुका है। जय भोले, प्रभु की कृपा से ही सब कुछ संपन्न हुआ है, और प्रभु की कृपा से ही सब कुछ होता है। ठीक है, हम अकेले आए हैं, ऐसा नहीं है मैं अभी एक भाई गया है, वो भी अकेले जा रहे हैं। भाई रास्ते में भालू दिखा, सही में भालू दिखा रास्ते में, बच्चा था क्या था। देखो अपने काम, अपने को पानी मिल जाए बस। ये है अपना पुंग बुग्याल, और देखो कहाँ से आ रहा हूँ मैं, झरने झुरने अभी सब दिख रहा है। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओहो पुंग बुग्याल, जाते हुए भी रास्ता अच्छा होता ना, रास्ता अच्छा होता कह रहा हूँ मैं, क्या बोलते उसको, इधर से जाऊँ उधर से जाता हूँ मैं, कुछ बच्ची हो रखा है। अभी देखो 1,000 करोड़ जोंक निकाल दिया मैंने। तो भाई अभी जंगलों के बीच से, फिर से झाड़ियों के बीच से, सॉरी जंगल नहीं झाड़ियों के बीच से चल रहे हैं। अब पैर जवाब दे गए हैं, अब पैरों के घुटने बोलने लग गए हैं। घुटने बोल रहे हैं कि बेटा बस कर, अब बस कर। घुटने बोलने लगे भाई साहब। रास्ता देखो, हट हट हट, मकड़े के जाले से लेकर सारे सब कुछ। तो वो नाला, पैर की हालत देखो क्या हो गई है, पता नहीं कितने जोंक चिपके होंगे। हट चल चला जाए। आहा, ओ ओ ओ ओ, देखो ओ भाई, दिस इज नॉट ईजी ट्रैक, इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट ट्रैक, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रैक है यार ये झाड़ियाँ। पैर जवाब देखे। देखो भाई फाइनली हम पहुँच गए, ठीक है। ये है रास्ता, ये है घोड़ विलेज, ये सगर विलेज, और ये है रास्ता ये ऊपर जाने का, ठीक है। फाइनली हमने रुद्रनाथ कर लिया है, अब देखता हूँ यहाँ से कल्पेश्वर जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन मी एंड सिचुएशन। ये देखो ये ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, और ये रास्ता जाता है वेलकम टू मंडल वैली, द बर्ड्स पैराडाइज। मंडल से एक रास्ता जाता है वहाँ, कौन सा एक मंदिर है यार माता का, वहाँ जाता है, बहुत ही बढ़िया वाला।
फाइनली अपन होटल में, ये जहाँ मैं पहले ठहरा था ना, यहाँ सामान रखा था मैंने, वहीं आ गया हूँ। बारिश देखो भाई, बारिश देखो कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, दिख रहा है, दिख रहा है कितनी तगड़ी बारिश हो रही है भाई। बारिश ने जान ले ली है। ओहो भाई, कल परसों से बारिश ही बारिश हो रही है, क्या चक्कर है, परसों से बारिश ही बारिश हो रही है। आंटी लोग बैठे हैं इधर से, पूरी सभा बैठी हुई है आंटियों की। काय की मीटिंग चल रही है आपकी? स्वयं सहायता समूह। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ना हवा समूह, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें हम अपने रोजगार के साधन वो करते हैं ना। अच्छा, ये कुछ बनाना सीख, लेडीज का केवल? महिलाओं का। अच्छा, महिलाओं का। हाँ, तेरा भी। और क्या होता है इसमें, क्या क्या है इसमें? मीटिंग, हर महीने मीटिंग होती है, बचत करते हैं। अच्छा, 100-100 रुपए की बचत, 50 और उससे क्या लाते हैं फिर? उससे हम अभी बचत करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, कोई अपने रोजगार के साधन लाते हैं, कोई गाय लाते हैं, कोई बाइक दुकान ऐसे स्कूटी भी ला सकते हैं उसमें, हम अपने दूध बेचने के लिए जाना है तो नहीं पता। तो फिर वो काम सबके आती है? जैसे एक महिला ला गई तो स्कूटी ला गई, एक महिला सारी महिलाओं के दूध ले जाएगी वो बेचने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है फिर। बहुत अच्छा मिशन है आपका। अच्छा, बहुत ही अच्छा मिशन है आपका। जिसके पास सब कुछ है वो अपने जेवर भी ला सकते। तो जेवर पे किसका अधिकार रहेगा? महिला का, स्वयं का क्या, अपना स्वयं का। अभी तो वो पैसे जमा करके लाएंगे ना, तो हाँ खुद एक, जब एक महिला निकालेगी जिसके पास सारे साधन है के रोजगार के ना। अच्छा अच्छा, इसका क्या नाम है? ओए, अच्छा दक्ष, उसको मैं लड़का समझ रहा, इसको लड़की समझ रहा हूँ। ये भी बना रहा है। हेलो 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 गाइस, हेलो गाइस, दो दांत आए हैं मेरे, देखो। बाय करो, बाय करो।